ये भी क्या, जरा चार पांच चाय लाना जल्दी से। उल्टे गिलास में लाओ क्या चीचा? अरे तेरे बाप कोई ऐसी बोलते क्या? क्या रे, तेरे मजाक के दिख रहे क्या हम? मजाक कर रहा था वो चीचा मैं। ओए ऐसी मजाक करते क्या? बोले मजाक कर रहा था मैं। गलती हो गई वो चीचा, लो तुम्हारी चार चाय। क्या रे भाई पेड़ खजूर, चाय में मक्खी डाल के लाया, कुछ शर्म लगती क्या तेरे को? अरे चीचा अब 2 रुपए की चाय में मक्खी नहीं तो क्या हत्ती डाल के लाऊं फिर? बहुत चतरा है रे भिक्या तू, बहुत चतरा है। एक न एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा भिक्या, बहुत बड़ा आदमी। वो तो मैं रात को ही बन जाता हो। अरे मैं तो मैं है ना, मेरे साथ तुम लोग भी कुछ ना कुछ बने लेते उसके अंदर, तुम सब बताना बा, बताना क्या बने थे? बताना बताना क्या बने थे? बताओ। हाँ हाँ बता, सुनो फिर। अभी सरदार को बोलता हूँ मैं जाके। हाँ बोल झावा। माल है क्या? माल कितना माल होना तेकु? 5 किलो। 5 किलो? हाँ हाँ मिल जाएगा। ये बुलबुले कहाँ चल गा? कितना ढूंढने लगाता है मेरे को क्या मालूम सरदार। अरे अरे क्या होगा, बंदर के घर क्यों हाँप रहा तू? सरदार मैंने एक बकरा देखा। बकरा देखा? कहाँ पे? ओ आपके। हाँ पकड़ गुदगुली इसको, बहुत भारी माल है रे ये तो। सरदार चल कोपचे में ले जाते इसको भी अपुन, अब चल लेके वो झाड़े के पीछे। ओ माले ना वो। साला ये तो मेरे को ब्रूसली की 7वीं औलाद दिख रहा रे। हाँ सरदार ये 8वीं 9वीं दिख रहा। चल पकड़ इसको, चल आ जा गुलगुली, चल। ए रुक, हिल मत साले, जरा मुंडा मत हिला, जुआ उड़ेंगे हमारे ऊपर। चल चल अंदर, चल साले अंदर, बहुत कराटे बता रहा तू मेरे को। हाँ अभी देखता तेरे को, चल। अरे बाप रे बाप, वीरप्पन आ रहा उसके हाथ में रंधा भी है, टकला कर डालता बाप, मैं तो जा रहा। अरे वीरप्पन माल लाया क्या? तुमको चट्टान बनाने से डर नहीं लगता करे? क्या कहा रे? अरे बाप ले बाप वीरप्पन दादा, क्या लंबी बंदूक है उसके कने। क्यों बट रहे ना, रिकामे बाता कर रहा तू? देखो बंदूक लंबी दिख रही तो क्या होगा, मैं इतना लंबा नहीं दिख रहा क्या? बंदूक गोलियां मारती, धमकन की आवाज काटती। धमकन की आवाज काटती? मैं भी भमकन की आवाज काटूंगा। कहां से काटेगा आवाज? यहाँ से। अरे बाप ले बाप। अरे माल का थैला ला इधर। माल होना ना तो ले ना। खोल रहे इसको। अरे बाप रे बाप। अब तुम्हारे समझ नहीं आएगा, समझे ना? लखपन दादा, अरे इसके तो लाल बाल है, बहुत महंगे बिकेंगे, मजे के पैसे मिलेंगे। हाँ सरदार कमान कर दे यार।
चल पकड़ कुतकुली। अरे नहीं हो। चल सारे बाल उठा के रुमाल में बांध। रख उधर लाल बाल को अलग रख, काले बाल को रुमाल में बांध। बहुत महंगे बिकेंगे वो। चिकना लोटा का चिका वो पीताड़े पाँच का, चिकना लोटा का चिका वो पीताड़े पाँच का। पकड़ इनको पकड़ मार इनको मार। देखो रे भाई, मेरा नाम है पुले दादा। लोगों की पोल खोलना मेरा काम है। मैंने अच्छे अच्छों की पोल खोला, इसलिए मेरे को मालूम होने को ना कि गांव में कौन कौन भामटे चले कर रहा। मालूम है साहब, इससे तो हमने तुमको बुलाया। अरे दादा, ये है गुदगुलिया दादा, लोगों को गुदू गुदू करके मारता है। और इसके बाजू में है डाकू वीरप्पन, लोगों के चट्टान बनाना इसका पहला काम है। बनी है लोगों के टकले क्यों बनाता? बाल का धंधा करता वो। अरे लोगों के चट्टान बनाता और छोटे बालों को केमिकल में डाल के लंबे करके 950 रुपए किलो बेचता। हाँ पुलिया दादा, उसने एक बार है ना मेरी माँ का भी टकला बना डाला था उसने। अबे झोप, तू क्यों रो रहा है? क्या बताऊँ पुलिया दादा, मेरे नाना का टकला बना के इतनी जम के खड्डी मारा, इतनी बड़ी चिंगारी निकली थी। जब वो इतने अगौ चाले कर रहा तो तुम उसको पकड़ते क्यों नहीं टेम्पोल? अरे पकड़ने का बहुत सोचता दादा, पर हाथ में ही नहीं आता, निस्ता घड़ी घड़ी सटक सटक जाता। राजा इधर आ। कहो पोलिया दादा, तुमने मेकू क्यों याद करे? वैसे भी पब्लिक के पास टाइम नहीं है। जल्दी से जा अनु, वो वीरप्पन के तंगड़े पकड़ के मेरे पास लेके आ। अरे वीरप्पन को पकड़ना तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है। अरे तेरे को धोने का नहीं बोले उन्होंने? बोले उल्टे हाथ का काम है, चल जा। अरे छोड़ रे मेकू, बाप रे बाप, ए चमकुटल का से चिपक गए। अरे अरे ये कौन सी नस्ल का कीड़ा है रे? अरे जंगेल मेंढकुल्ले, 15वीं नस्ल के कीड़े, कौन सी जात का है रे तू? कीड़ा बोला? हाँ कीड़ा दिखता मैं तुझे? आंख को भी लग रहा। कीड़ा बोला? कीड़ा दिखता मैं? कीड़ा बोला? अरे छोड़ मेकू छोड़। अरे क्या गड़बड़ के गत पाँव पकड़ लिया? अरे बाप रे बाप, अरे बचाओ रे, अरे बचाओ मेकू, जमीनी कीड़े से बचाओ रे। अरे मेकू का खींच के ले जा रहा रे कबर बिज्जू। अरे 15वीं नस्ल के कीड़े, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे रे मेकू, अरे छोड़। वीरप्पन दादा, अरे जल्दी आ, अरे छोड़ ना रे, अरे छोड़ ना रे, अपनी पानी करने आया था, जल्दी आ वीरप्पन दादा। अरे मिजवानों के साथ ऐसा सुलूक करते क्या रे? अरे काली जा रहे रे मेकू, अरे धीरे रे, मेरी पीठ छिले जा रही रे बाप। सरदार ये राजकुमार का पजेला पैजामा, अपनी झड़ी पानी कर रहा था। अरे बाप रे बाप, अपनी झड़ी पानी कर रहा था। लाज तुम्हारे, तू गया ले। अरे वही तो कह रहा, जान दो मेकू। बहुत बुरा काम करा तूने राजकुमार, तेको इसकी सजा मैं दूंगा। आप बताता मैं तेको? अरे क्या बता रहा रे भाई? ना गया रंदा ला, पकड़ इसको आइनिया। रंदा रंदा इधर, ये बाल मेकू दे दे राजकुमार। अरे मेरी मन्नत के बाल है रे भाई, ये बाल मेकू दे दे राजकुमार। मेरी माँ को टकला पसंद नहीं है, छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूँ रे तेको? सबको बोल हट जाओ, मैं चल जाऊंगा। ले कुछ गुलिया ले।
अरे बाप रे बाप, अरे अंगार उड़ रहे वीरप्पन, अरे चमड़े छिले जा रहे रे, अरे जरा धीरे बन गए चिकना लोटा, पूरा चिकना टकला बना डाले रे, ये बन गए एकदम चिकना टकला। अरे बहुत बुरा करे रे तुमने, मेरी मन्नत के बाल काट डाले। ले ना गया, कितने हुए बाल? 100 ग्राम तो हो गए सरदार। जा थैले में डाल दे तू बाल को। याद रखना वीरप्पन, मेरा टकला देखो जिंदगी भर बदवा देगा। मेरे बाबा को बुला के लाता ना मैं, जा रहा मैं। बाबा को बुलाने जा रहा? ए राजकुमार। अरे बहुत बुरा कर रे, अरे टकला तो बनाया था, अरे लेकिन ढोटा क्यों चुबाया रे? क्या ले विलक्षण दादा, अपुन ने तो उसका माल निकाल ही लिया थे ना, तूने उसको मक्कू चुबा के माल क्यों उतारा ले? इसके जूते अच्छे नहीं थे रे। जूते अच्छे नहीं लगे थे क्या मालूम साले ने कौन थे उखड़ने पे से पाव भरा के आया। अरे इतनी भीषण बास मारा था कि मेरा मस्तक सड़ गया। हट रे, हट हट। कह रहे डेम्बुल, मैंने सुना है वीरप्पन ने राजकुमार को भी पकड़ के उसका टकला बना के उसको मार डाला है, तो मैं क्या करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भी वीरप्पन से मिले ले? ओए फुटेल तरबूज के मुंह के, जरा मुसरा संभाल के बात कर, नहीं तो मैं तेरा चट्टान बना दूंगा। हाँ पांडे, इतना महंगा मोबाइल कहाँ से चुराया? ओ चोट्टा किट्टा दिख रहा है तुमको? मैं ये मेरे खालू ने दिए। खालू ने दिए? चल चल होगा को काम बच्चे पहले कुछ करते नहीं। बटाटे के घर दीदे तान के मत देख, वीरप्पन का जी हो रहा लड्डू खाने का, चल दो लड्डू मुझे दे और चार लड्डू भांग के दे, चल। क्या कया? अरे दीदे तान के मत देख, खानी लेगा मुझे। कंधे से बोमबिल ने खाता मैं, चल निकल। क्या कया? बोमिल दिख रहा मैं तुझे? हाँ बोमिल दिख रहा। सड़े के घर टाइट मत हो, कह देना वीरप्पन को कृपया ने उधार देना बंद कर दिया, चल। चले उधड़े चमान चल जाए ऐसे, वरना जो टकले पे दो चार बाल बचे कुचे है ना वो भी निकाल दूंगा। रुक ए चिरकुंडिया, रुक रुक, कहा जा रहा लड्डू लेके? रुक ए बाहर क्या रुक रहे चिरकुंडिया? अरे बाप रे बाप, ये विलक्षण दादा भी ना हित इतना जी पत्तल नहीं झलता पाला, क्या मालूम धुबे धुबे काय के फतले सलता था तो ये इतना जी पतला नहीं सलत लेते थे। अरे तो वर्जिश कर रहा था ना मैं, तो त्या ऐसे वल्दी चलते थे, मैं धमदा पतला थलता आला तू। हाँ बस कर, एक तो बुदबुले भी कब से गया लड्डू लाने के वास्ते, निश्चित भूख लग रही मेरे को। सरदार कुरके ने ना लड्डू देना बंद कर दिया और नागर को है ना पुलिस के हवाले कर दिया। क्या बात कर रहा, सही कह रहा तू? क्या मस्जिद में चल के कहूँ? अरे बाप रे बाप विलक्षण दादा, अदल तुलपे ने लड्डू देना बंद कर दिया तो अपने तो 12 बज जाएंगे। 12 तो अपने जब बजेंगे है ना, जब वो कुरपे की घड़ी के कांटे पे कांटा चलेगा, समझा? मैं उसके तीनों कांटे तोड़ मरोड़ के फेंक दूंगा। हाँ अब देखता मैं वो साले कुरपे को। ए
इनका सत्यानाश हो जाए इनका ये भैंसा का, ऐसा पतला गोबर हकते क्या उपले भी नहीं बनते जल्दी। इनका सत्यानाश हो जाए ये खेलवानों का, ऐसी तरह हो जाता मेरे को उपले भी नहीं बना देते, इतना पतला हकते क्या वो। चोरी का चारा गाय को खिलाते फिर। बस कर, मुँह मुँह में क्या घुन घुन कर रही। क्या वो खाला क्या है? अरे वो कुरपिया कहाँ रहता? कुरपिया देखो मालूम है क्या? कुरपिया खीसे में रख रहा या नाचे, हाथ डाल के निकाल ले। हाथ हटा वहाँ पे। तू क्या मेरा झगड़ा है क्या? जरा के खाने पे हाथ रख रहा तो मेरे तेरा सत्यानाश हो जाए तेरा, नहीं तो तू जरा लाइन से बोलना खाला। तू मैं तेरी काली बुड्ढी दिख रही क्या तेको? उसका उसका पता बताते बैठू तो क्या रे काले वंडर? तो तू कौन सी गोरी है? दूध की कटोरी है? चल सिलक इधर आ रे, तेरा सत्यानाश हो जाए तेरा काले भिलावे। इधर आ, किसको झिड़क्या दे रहा रे तू? इधर आ काले भिलावे। तेरे मुंह पे उपला थोपती जना दे, आ इधर आ जरा। अरे वाह रे वाह, कब से गाल है तेरी सफेद बाल वाली दफड़ी। अरे कुरपिया रुक जा साले, रुक रुक जा कुरपिया, भागना मत रुक जा। बहुत भगाया रे तूने मेरे को कुरपिया, आए बहुत भगाया तूने। ना गया तू पुलिस के हवाले करे जब नहीं ले, माफ कर दादा। रपन दादा मेरे को माफ कर दे, आपने करूँगा ना मैं। आप देखो माफ भी कर देता और तेरा टकला भी साफ कर देता। चल इसको कोपचे में लेके। रपन दादा मेरे को माफ कर दे, रपन दादा मेरे को माफ कर दे, आपने करूँगा ना मैं ऐसे। बैठ गया गुदगुलिया, तोड़ डाल साले के। पकड़ गुदगुली। हाँ पकड़ा, पकड़ पकड़ा ना। हाँ लगा ले, खींच खींच। रोन दो थरदार इसको, रोन दो। लड्डू नहीं देता ना। थरदार क्या रख रही है बात? शीशे में डाल उसको गुदगुली। हम गद्दारों के थैले पे इसका नाम लिख के रख दे। इसकी मुझ का क्या करते? खा रंदा। नहीं वीरप्पन दादा, इसकी मुझे भी काटता भी मैं। रुक जरा, पकड़ मुंडा दबा के उसका। डिंगा चिकी डिंगा चिकी डिंग डिंग। पकड़ तो रंदा, बहुत बड़ी गद्दारी करा तूने, बहुत बड़ी गद्दारी करा कुरपिया तूने। ये खाओ ले। नानी है नहीं इसकी औरत अभी तक? अरे तो आ जाएगी ना, तेको का इतनी अंगार मची। आ मरा किसका झगड़ा है तेको? फिकर पड़ी क्या? आएंगी वो हो देखा गई। जी कुरपिया ऐसा कैसा सो रहे? तुम उठो उठो। क्या जी कुरपिया, नींद की गोली खा के सो गए क्या? उठो ना जी, उठो ना। जान दे माँ, रो के का कुतानला कर रही आ यहाँ पर? खाली पीली डिंडाने मत बता, इसका मरद नहीं मरता, मेरा भी मरा। मालो क्या हेल ने बता दिया है? हाँ झगड़ा तेरा मरा मेरी और नहीं दिख रही क्या तेरे को? नाक पोंछने के वास्ते खाला उठाओ ना मेरे कुरपिया को। ऐसा कैसा सो रहे? क्यों नहीं उठे जी? उठो ना जी, उठो ना। आओ बहन, उन्हें है ना मक्कू की गोली खा के सोया। कौन से मेडिकल पे मिलती है गोली? आओ मेडिकल की नहीं, वो वीरप्पन है ना डाकू वीरप्पन, उन्हें ढोटे के मक्कू की गोली घुसा दिया, गया तगड़े उचका के वो। अब थोड़ी उठने का, वो वीरप्पन ने चट्टान करके मार डाला तेरे कुरपिया को। क्या वीरप्पन ने मारा? हाँ वीरप्पन।
मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगी जनाजे। चुप हो ए, क्या हस्ती अंदाज भी नहीं घसती फुलकांडी। ओ वीरप्पन दादो, एक गिलास दारू और पियो ना। तू ही पी ले, बोले एक गिलास दारू और पी लेना। अब वो दारू पी पी के तो ये हालत हो गई मेरी, लगा रही वहाँ, हट उधर। हेलो, हाँ टेम्पल कह रहा। हेलो हेलो साहब, वो वीरप्पन है ना, वो गुदगुनिया के झोपड़े में छुपेला है। ऐसा? हाँ ना। तू उसको बाता में लगा, अब भी आता सारी पाव जावर के। हाँ हाँ खाला, हाँ 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 खाला, हाँ हाँ मैं शाम को आ जाऊंगी। हाँ हाँ मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। क्यों वो छोलन, किसको फोन कर रही थी तू? वो मैं मेरी खाला को फोन कर रही थी। खाला को फोन कर रही थी? आए, अब कभी आएंगी ना तो तेरी खाला को भी साथ में लेके आना, बार बार फोन मत लगाना। आए, उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा तो कौन तेरा बाप रिचार्ज मारेगा क्या? चल ना फोन इधर। अरे वाह, बोले खाला को फोन कर रही थी, मैं क्या तेरा खालू लगता क्या जो खाला को फोन कर रही थी? तो आए, जब तेरे खालू के पास जाएंगी ना, जब लगाना खाला को फोन। एक साइकिल चला रहा मैं कई साल से, सोच रहा एक आध हीरो होंडा ले लूंगा, तो उसमें भी तू आके पैसे खत्म कर रही मेरे। सब ऐसे ही मिलते साले, करना तो क्या करना। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग क्यों मैं रुक 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 रुक। अब वो जरा नवे गाने गा, सलमाने की पिक्चर के। कौन थे दादा? बताओ क्या? टन टन आ टन 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 तारा, चल वो छोलन 9 से 12। मुँह खराब है, कम से कम गाने तो अच्छे गा। वीरप्पन, अब तू गया काम से, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो वस्त्रे मार दूंगा। हाँ क्या वो? तू तो कह रही थी कि तेरी खाला को फोन कर रही है, और वो भाई तो तेरे खालू दिख रहे मेरे को। क्या रे वीरप्पन, यहाँ एड़ी की मदार घुबड़ के चाले कर रहा। चल जनाजे, तूने मेरे कुरपिया को क्यों मारा रे? कुरपिया? कौन था कुरपिया? चुप भान मतिया, तेरे को मेरे मरद कुमार के क्या मिला रे? तेरा सत्यानाश हो जाओ जन्नाजे, अंते को खा जाओ डाकन। तू भी तो किसका ना किसका मरद होएगा ना। ओए बल्लोजी, ये कोसा काटी बंद कर, मैं नहीं है किसका मरद गिरद। क्या एक कर भी मरद नहीं है तू? नहीं है मैं किसका मरद। तो कहीं ना मरद तो नहीं है तू? चुप कट फरकांडी, नहीं तो अभी देखू ना मैं मक्कू। तेरे ढोटे के दोनों मक्कू मैंने निकाल के फेंक दी वीरप्पन। क्या रे अगव अंडे, तू बाहर आ रहा के हमने अंदर आना? क्या छुलुल मुलुल कर रहे वीरप्पन, को अब भी टंगड़े पकड़ के लाता मैं देखो। जबरदस्ती के बाता बढ़ाते बैठे, खाली खाली बाता कर रहे, कुछ हो नहीं रहा, मैं लाता अब भी देखो। अरे बाप रे बाप, मेरे सिर में तो दो चार ही बाल है। देखो ना साहब, पूरे साफ कर डाला वो वीरप्पन ने। अरे तेरा टकला बनाया तो बनाया, तूने खमीज क्यों उतार लिया? अरे जान दो टकले का क्या करने, बगल से बना डाला वो वीरप्पन ने। वो मेमट मारी, देखो मालूम है ढोटे में मक्कू नहीं है, मेको मालूम है ढोटे में मक्कू नहीं है, पन भार जो तेरा खालू खड़े है ना, उसको नहीं मालूम है, समझी? हिलना मत, चल। कौली पूरी का सारा मत ले। चुप साले, हाथ पाओ अगरबत्ती, अन सीना देखो मोमबत्ती, अन हत्ती का जैसा उड़ा मार रहे क्या तू? साहब भून डालू क्या इसको? नहीं, वीरप्पन मेरे को जिंदा होना। क्यों साहब? क्योंकि मेरे को मरे चीजा खाना आराम है। साले चुम्मट पारोटी के मुंह के बेटा, जरा भी औचिन चाले करा ना कदी तो देख ले। हाँ मक्कू की नाव घुसे ले, हाँ नहीं तो तेको भी टकला होने का, तो ऐसा बोल फिर, अब भी लाता मैं रंदा जाके। बैठ चमरक,
बहुत खबरी बना के भिजाया था ना तूने इसको। रुक जा वीरप्पा। भाभी उठो ना भाभी। मैं को क्यों छोड़ के चली गई हो भाभी? उठ ना भाभी। भाभी चंपा, चंपा मत रो, चंपा मत रो, मेरी बात को मत रो। भाभी उठो ना भाभी। डॉक्टर तुमको ये लाश कहाँ पे मिली? मध्य मध्य पहाड़ के पीछे मक्को चुबा के चट्टान बना के फेंक दिया था वीरप्पन ने। क्या? अंधेर ये अंगूठे, ये घड़ी भी मिली, सोने की है के पित्तल के है। ये अंगूठी और घड़ी देख के तो मैं समझ गई कि ये लाश मेरी भाभी की है। ये अंगूठी और घड़ी मैंने वो सुनार के दुकान पे से चुराई थी। चंपा अनजाते जाते इसका थोपड़ा तो देख ले। वो थोपड़ा तो मेरे को वीरप्पन का ही देखना है डॉक्टर। दाल तेल दाल, हाँ दाल, बस 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 ठीक है। हाँ दाल चल, दाल रे बाल, दाल हाँ दाल, हाँ दाल दाल उसमें, हाँ अच्छे दाल, हाँ दाल दे, लंबे बाल निकालने का उसमें से, हाँ दाल दे पूरा दाल दे, हाँ हिला उसको अच्छे से हिला, हाँ हिला, वेरी गुड हिला। क्या रे आलिया, ये नवा माल कहाँ से लाया तुमने? अरे सरदार, रात को खानदेश की बारात जा रही थी, हमने सबका टकला बना डाले। सरदार ये थैले में है ना सब गुड्डे वाड्डे के बाल है, और ये थैले में है ना छोटे छोटे बाल है, उसको लंबा करने का कारोबार चालू है। बहुत भारी काम करे गुड़गुड़िया तुमने, बहुत भारी काम करा है ना। चल ला रंदा दे मेरे को। हाँ तुम छोटे बाल को लंबा करो, मैं अभी आता है एक काम और निपटा के। तो ये है वो जनाजे लोग जिन्होंने मेरे भाई को मारा, अब आज मैं इनके एक एक के 12 बजा दूंगी। अरे ये कौन आ गई सिल्लाटी? आहा, क्या भारी जाम करी वो तूने सिल्लाटी, हम क्या लग भी रही। आहा, बहुत पुदुक पुदुक कर रही है पोरी, आए मैंने सब देख लिया। कहाँ से देखे था सर? सामने तो खड़ा था अंधे, ऐसी चिबिल्ली पोरी पटती मेरे को। पर मैंने किससे पट्टी? हट जाना से। गई मैं पानी में, अब वो तो मैं कहा ते को पटा रहा, अब वो मेरी टोली में काम करने का कह रहा मैं ते को। यही तो मैं भी सोच रही थी वीरप्पन। हेलो हेलो, मैं तुषारनाथ। ये कौन सा नवा नाच निकला? तुषारनाथ मैं भी नाच रहा है देखो। अरे कसकस के मुँह के नाच नहीं, तुषारनाथ कह रहा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुषारनाथ बोल रहे, क्या बोलने का सरदार? वीरप्पन को कह दे 2 बजे डेंडाना फटे पे आ जाना। हाँ मैं सरदार को बोल दूंगा। क्या बोल रहा रे वो तुषा? सरदार डेंडाने फटे को बुला रहा वो। कर सरदार ये डेंडाना फाटा का है? अरे वो मोरन के ताशे नहीं बजते के वहाँ पे डेंडाना 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 डेंडाना।
डिन 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 बाबूजी बाबूजी वो वीरप्पन आ रहा कहीं अपना तुमने टकला बना देगा। हाँ बोल तुषिया, क्यों बुलाया तूने मेरे को? तुम्हारा उधारा देने का था। अरे तो उधारा का भाग के जा रहा। अरे बाप रे पुलिस भाग वीरप्पन भाग। अल्लाह माधु वीरप्पन या आप कभी भागा ना मैं तुझे कच्चा निकल जाऊंगा। बदहजमी हो जाएगी ना रे। हल्ला मत वीरप्पन या सारे बंदूका तेरी खोपड़ी पे लाइन मार रहे है। डेम्पुल्या मेरे कने ये थैली भर के नोटा है समझा, थैली भर के। लोगों के चट्टान बना बना के इंसान लखपति नहीं बन जाता साले हजाम। मेरे धंधे को गंदा मत कह डेम्पुल्या, लोगों के चट्टान बनाना बहुत मुश्किल काम है, लोगों के टकले बनाना पड़ते, छोटे बाल को केमिकल में डाल के लंबा करना पड़ता, जब कहीं जाके नोटा दिखते समझा टेम्पुल्या। कभी ये पैसे तूने ले लिया ना तो तेको जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, बंदूका नहीं तानना पड़ेंगे, क्या बोलता? वीरप्पन रिश्वत तो मैं लेता नहीं, पांतू इतनी मया से दे रहा तला ले लेता ना मैं। चल ठीक है, इसमें नोटा के साथ चिल्लर भी है, चल हट। अरे 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 वीरप्पन यार, अरे रुक जा साले रुक जा, गोली मार दूंगा साले वीरप्पन यार रुक जा। मार दिया रे आखिर को। क्या हुआ साहब? वीरप्पन यार तो बहुत ही भिन्नाड़ भाग गया। तुम लोग ढूंढो उसको, मैं अब भी आता। कहाँ जा रहे साहब? दो नंबर। अरे 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 बोलिया ज्यादा औचिन चाले कराना बेटा तो पीछे से घुसाऊंगा आगे से काटूंगा। हाँ अरे मक्कू मच्छू बारे बा, लगे तो मैं तुझे वाड़िया दवाखाना लेके चलता। बस चुप साले, वाड़िया में क्या दवा गोला रहते क्या? मैं को फरावीट में लेके चल डिम्पुल्या, मैं को फारान में लेके चल। आह आह जरा भी वचका पना करा डिम्पुल्या तो मैं ते को डोटे का मक्कू चुबा मा। अरे बाप ये तो मर गया। जो ना दे उसका भी भला, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, मौला के नाम पे दे दो बाबा, चिल्लर हो या बंदा हो सब चलेगा बाबा, दे दो बाबा। ओ शरम लग रही है तुमको, 5 रुपए भीख दे रहे, ये लो बाबा 10। दस ए, लो बाबा 20। बीस है, ये लो 50। पचास ए, लो बाबा 100 रुपया। और दूँ क्या? नहीं साहब बस, मैं समझ गया साहब कि पूरी दुनिया में तुम्हारे से बड़ा जिगर वाला आदमी कोई हो ही नहीं सकता। बेटा चलो घर, आज के वास्ते इतना बहुत हो गया। ये साला तो वीरप्पन जैसा दिख रहा। एक दो तीन, 350, 360, 370। क्या चीचा आज तो बहुत भारी धंधा हो गया अपना। अब अपन आइडिया भी तो वैसे लगा रहे ना बेटा। माफ कर दो साहब मेरे को, बहुत बड़ी गलती हो गई हो साहब, देखा नहीं था मैंने तुमको, माफ कर दो साहब मेरे को। बेटा भट्टू
या पानी ला तो जल्दी पानी। भिकिया अरे कोई जरूरत नहीं बेटा इसकी, कोई जरूरत नहीं। और थूकू क्या फिर? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, पानी मंगा रहा मैं। अच्छा अच्छा पानी, बेटा पानी लाए भट्टू जाके, जा अभी लाए चीचा। हाँ जा जा। अरे भिकिया तेरे को एक अंदर की बात बताने का था रे। ऐसा क्या? हाँ चलो ना फिर कोपचे। हाँ, में चल, चलते चल, ना। चल चल चल। हाँ कहो क्या कह रहे थे? वो क्या है ना भिकिया, हाँ तेरे को एक अंदर की बात बताने का था मेरे को। बताओ ना फिर। हाँ सुन सुन। अरे बाप रे बाप, तो तू मेरे को काको बता रहे कि वीरप्पन मर गा? अरे भिकिया तू वीरप्पन का डबल पार्ट है रे, देख ये फोटो देख। अरे बाप रे बाप, पन साहब मेरी माँ तो बहुत शरीफ इंसान थी। हो अरे भिकिया तेरी माँ शरीफ थी मगर वीरप्पन का बाप तो अगव था ना। अरे भिकिया तू नकली वीरप्पन बन के उनके अड्डे में घुस जा, मेरे को छोटे बाल लंबे करने वाला फार्मूला मिल जाएगा, फिर वो जितने बदमाश है ना वो बदमाशों को पकड़ने में मेरे को मदद मिलेगी। नहीं हो साहेब, अरे वो वीरप्पन डाकू बहुत अगौता हो, अरे जरा जरा बात पे लोगों को ढोटे के मक्कू छुपा के मार देता था वो, अन लोगों के टकले बना डालता था वो, मेरे को तो मक्कू को भी पकड़ते नहीं आता। अरे भिकिया मैं तेरे को सब सिखा दूंगा, बस तू एक बार लंबे बाल करने का फार्मूला मेरे पास लेकर आ जा, रो केमिकल। अन फिर ये मेरे भट्टू का क्या होएगा? तू भट्टू की फिक्र मत कर, तेरे भट्टू को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर और तेरे को टीबी का मरीज। क्या? अरे कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं। ठीक है पर ये बात किसको मालूम मत पड़न देना है कि मैं वीरप्पन। ये राज मेरे पास ही रहेगा, ये काम के बदले भट्टू के बाप को ढूंढ लूंगा मैं। भट्टू के बाप को? हाँ भट्टू के बाप को। ठीक है फिर चलो। हाँ चलो चलो। अयो चाचा जी तुम ये लेफ्ट राइट काय को करता जी, मेरे को मारने का प्लान बनाया क्या जी? मैंने सारे रिकामे काम बंद कर दिया था तिरप्या, पन वीरप्पन ने मेरे को माफ नहीं करा। अयो चाचा जी ऐसे कैसे माफ करेगा तुमको वीरप्पन, पहले माफी मांगने का ढंग तो सीखो। क्या बताओ बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है बेटा। अयो बहुत लंबी कहानी है के चाचा जी, थोड़ा छोट करके सुनाना, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ। क्या बताओ तिरप्या, मेरी औरत के फेफड़े में इतना बड़ा होल पड़ गया था। चाचा जी थोड़ा छोटा करो होल, मेरे मुंडी घुस जाएंगी। मेरी औरत के फेफड़े में जब होल पड़ा तिरप्या, तो मैं इलाज के वास्ते पैसे मांगने को वीरप्पन कन गया, तो भामता मेरा टकला बनाने पे तुलगा। फिर टकला बनाया जी? मैंने तो उसको ऐसे झिड़किया दे के उसके लंबे बाल वाला थैला चुरा लिया तिरप्या, अन जब थैला लेके भागने को लगा तो पीछे से वो डिम्पुल्या ने गोली मार के मेरी तंगड़ी को लंगड़ी कर दिया तिरप्या, उसके पैरों मेरी औरत भी मर गई, अन मेरा पोरिया बट्टू भी गुम गा, मैं वो डिम्पुल्या को कच्चा निगल जाऊंगा तिरप्या। हाँ आप बन गया तू डाकू वीरप्पन, आप अच्छी से उसके चाल चलन सीख ले। अरे वो तो मैं सब सीख लूंगा हो, आगे कहो तुम। वीरप्पन ऐसा चोच लाल करके नहीं फिरता था, बंद कर दे। तू बस पड़ गई ठंडक। एक बात और सुन, वो सब जान दो हो, पहले तुम ये बताओ कि मैं डाकू वीरप्पन के अड्डे में घुसूंगा कैसे? अरे अभी बताता मैं। हेलो मैं पांडे बोल रहा हूँ। वीरप्पन को बाले कुर्ते ने काट लिया, वो आवाड़ी नाले पे बेसुध पड़ा है। अरे भाई तू कौन बोल रहा, कम से कम तेरा नाम तो बताएगा। मेरा नाम पूछ के क्या तेरे नाम के आगे लगाएगा क्या? चल रख फोन। अरे बाप रे बाप डिम्पल साहब, तुमने तो फोन करके बोल दिया कि मेरे को बावले कुत्ते ने काट लिया, पर मेरे को सुया मत लगन देना है, क्योंकि मेरे को सुया लगने से ना बहुत डर लगता हो,
बहुत डर लगता मेरे को। अरे सुइया लगने से पहले वीरप्पन के आदमी तेरे को वहाँ से हटा देंगे। सही में? हाँ फिर वहाँ जाके कहना मेरे को कुछ उमज नहीं रहा, सब भूल गया मैं। बोले दादा एक बावले गधे का फोन आया था। अच्छा? हाँ। क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था वीरप्पन को एक बावले कुत्ते ने काट लिया। ऐसा? कहाँ है वो? वो अवाड़ी के नाले में बेसुध पड़ेल है। पांड्या तू वीरप्पन को उठा ले और दवा खाने में भर्ती कर दे। डॉक्टर को कहना उसको 14 नहीं 28 इंजेक्शन लगा। हाँ मैं उसको उठा के भर्ती कराता भला के दादा। अरे सीधे रहना टायर पंचर हो जाएगा। अरे देखो सरदार वीरप्पन। चलो उठाओ इसको डालो जल्दी साइकिल में। चलो उठाओ तो अब भी उठ के बैठ जाएगा वो। बहुत डेंजर है साला हमके टकले बना था। उठाओ जल्दी सारे साइकिल। हाँ बेटा बेटा आराम से। हाँ चल चल लेके निकल भाग भाग स्पीड में जल्दी जल्दी चलो। जोर लगा के हैया उठना मत वीरप्पन भैया। जोर लगा के हैया। अरे डॉक्टर ओ डॉक्टर ओ डॉक्टर आता भाई। क्या काय को इतना चीखा मार रहे है? अरे डॉक्टर ये वीरप्पन है वीरप्पन डाको वीरप्पन। अरे मेरे बाप रे वीरप्पन है। हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे डॉक्टर इसको बावले कुत्ते ने काट लिया भाई। बावले कुत्ते ने काटा इसको? हाँ ना भाई जरा देख तो आ कर तो। पर लगता नहीं मुँह से कि इन्हें काटा है मैं इसको। अरे मैंने नहीं इसको कुत्ते ने काटा। कुत्ते ने देख लो इसको। मैं 10 के बाद किसको देखता नहीं मालूम है ना तुमको? क्या मैं 10 के बाद किसको देखता नहीं मालूम है ना? अरे डॉक्टर ये इनको भी मालूम है और मे को भी मालूम है कि तुम 10 के बाद किसको नहीं देखते। पर कुत्ते को नहीं मालूम था ना हो। हाँ बस ज्यादा सपात ना मत करो। डालो इसको अंदर। अंजाओ तुम सुबह को आना। जाओदार इसको अंदर डालो। हम तुम भी रात भर यही रुको। हम कोई गड़बड़ करना मत। कौन है तू? मैं नर्स हूँ। वीरप्पन को गोली खिलाने का है दूध खिलाने का है तो हमको भी पिलाओ ना दूध। दूध लो पियो ना। No.
सरदार तुम जरा भी टेंशन मत लेना। सरदार फिकर मत करो, तुम जल्दी अच्छे हो जाएंगे। सरदार तुम्हारी याददाश्त भी बहुत जल्दी वापिस आ जाएगी। सरदार वीरप्पन दादा आपको ये तेल याद है? कौन था सांडे का तेल है क्या ये? तुमको मालूम नहीं क्या ये वही केमिकल है जो छोटे बाल को यह बड़ा करता? याद करो ना वीरप्पन दादा, याद करो। चुप हो, तू तो ऐसा याद करा रही मेरे को जैसा मैंने तेरे से कर्जा लिए ले। कर्जा? कर्जा? मैं तुषाकन कर्जा वसूलने गया था तो वहाँ मेरे को बावले कुत्ते ने काट लिया था। याद आएगा मेरे को, सब याद आएगा। ये गुदगुली आए, ये ऐने आए, ये नागे आए, ये चंपा आए। अरे ये तो वही अगर वंडा है गुदगुलिया जिसका टकला बना के मैंने मेरे हाथ से मक्कू चुबाया था और बाद में एक मक्कू और चुबाया था। मैं जरा अब भी आता है जाके, बहुत जोर से आई, आता मैं। हाँ बोल विक्या। टेम्पल साहब वो लंबे बाल बनाने का फार्मूला और केमिकल है ना वो मेरे हाथ में लग गए। शाबाश, अब देखना भी क्या, एक एक के टकले नहीं करा मैंने तो मेरा नाम भी डेम्पुलिया नहीं। बस तू जल्दी से वो फार्मूला लेकर मेरे कने आ जा। तुम फिकर मत करो, मौका मिलते मैं चौका मार दूंगा। हाँ सरदार, मुझे अब भी कौन आया के मंगल के दिन है ना सारे व्यापारी जमा हो रहे। सरदार धुलिया अमलनेर जलगांव कासुदा औरंगाबाद सब जगह के व्यापारी आने वाले हैं सरदार। हम तुमको सबसे मिलने का रहेगा। आए सरदार। सबसे पहले मेरे को डेम्पुल्या से मिलने का है नागया, क्योंकि साले ने मेरे को बहुत ही उगा के छोड़ा था। आप देखना वो डेम्पुल्या के बचेल कुचेल चार बाल भी कैसा साफ करता। तो मैं टकला तो मैं तेरा करूँगी जना जी। अरे बाप, अरे कौन है रे? अब वो चंपा तू? अब वो क्या कर रही तू ये? अरे अंधे कुवे, तेको दिख नहीं रहा है क्या? तेको ही नीचे गिरा रही हूँ मैं। अब वो ऐसा मत कर, वो अब वो मर जाऊंगा वो मैं चंपा, अब वो मेरी माँ मर जाऊंगा वो मैं। अबे तेरा सत्यानाश हो जाए जना जी, मेरे भाई कुपे को क्यों मारा? अब वो मैंने तेरे भाई को नहीं मारा चंपा। झूठ बोल रहे जना जी, आज तो मैं तुझे मार डालूंगी। अब वो मैं वीरप्पन नहीं है, अब वो भिकिया है, मैं भिकिया। वो तेरी कसम मैं भिकिया है चंपा। चुप बे झूठे। अब वो सुन ना झाबड़ बिल्ली। चुप बे। अब वो चंपा, अब वो मैं गिर जाऊंगा वो। अरे चंपा चंपा, अरे चंपा ये सही बोल रहा है, ये डाकू वीरप्पन नहीं है, ये भिकिया है भिकिया। ये मेरे बोलने पे डाकू वीरप्पन बना था, समझी क्या? अरे डिम्पल साहब वही उसको समझा रहा, कब से तो मान नहीं रही क्या मैं वीरप्पन नहीं है, भिकिया है भिकिया। मेरा मुंह जोर जोर के बोला पर मान नहीं रही। वो इतनी ऊपर से सीढ़ी पे से हिला हिला के मेरे को गिरा दी, बोलो इतनी जोर से लग गई मेरी कम्बल पे। अनहा डिम्पल साहब मैंने ना वो उसका ना वो बाल लंबे करने का फार्मूला और केमिकल लेके आया है, चुरा के लाया। अनहा डिम्पल साहब मंगल के दिन वीरप्पन के अड्डे में सब तरफ के बाल के व्यापारी जमा होने वाले है। धुलिया अमलनेर कासोदा पाचोरा भाड़गांव भुसावल जलगांव इदलाबाद औरंगाबाद सब तरफ के बाल के व्यापारी जमा होने वाले है। बहुत बड़ी मीटिंग है उनके वहाँ। आप तू देखना भी क्या,
उनकी मीटिंग में आके कैसी चीटिंग करता हूँ मैं। और हाँ भिखिया, ये केमिकल मैं छुपा देता हूँ। हाँ 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 भिखिया, मुझे माफ कर दो। क्यों? मैंने तुम्हें वीरप्पन समझ लिया था। मेरे को भी माफ कर दे चंपा। हेलो हेलो डिंपल साहब। हाँ भिखिया बोल। आज मंगल है डिंपल साहब, अन सारे बाल के व्यापारी जमा होने वाले आए। मेरे को ऐसी खबर मिली कि व्यापारी के साथ साथ वीरप्पन का बॉस है ना, वो भी आने वाला है। क्या बात कर रहे है ना, पर उसको तो नहीं मालूम है ना कि मैं नकली वीरप्पन है। तू फिकर मत कर, उसको मालूम पड़ने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। पर डिंपल साहब तुम जल्दी से आ जाना है, नहीं तो उन लोग सब मिल के ना मेरा भी टकला कर देंगे। बंदूक मेरे कन है डिम्पुल्या, पहचाना मे को? अन ये गोली भी पहचानता होएगा? ये वही गोली है डिम्पुल्या जो तूने मेरी तंगड़ी पे मार के लंगड़ी कर दिया था। शेरिया मेरी बंदूक मेरे को वापस दे दे। ऐसे कैसे दे दू? तेरे पैरों मेरी औरत का टकला होगा, मेरा पोरिया भट्टू मेरे से अलग होगा। क्या भट्टू तेरा पोरिया है? मेरा नहीं तो क्या बाजू वाले का है क्या? बोल तो ऐसा रहा भामता जैसे मालूम है वो का है। हाँ शेरिया मेरे को मालूम है वो का है। मजाक मत कर, मेरे पोरिया को देखने के वास्ते मेरे आँखें तरस गए। बताना बा वो का है तो बता दे बा। पहले मेरी बंदूक मेरे को दे दे शेरिया, मैं वापस आके सब बता दूंगा। अन कदी नहीं बताया डिम्पुल्या तो मैं तेरे घर में से कुछ भी वाल दूंगा। फिर मत कहना के टीवी का चल गई, अन पंखा का चल गा। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा, 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 जा। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। चुप रे गुड़गुड़िया चुप। अरे साले ऐसा क्या है लारा? अरे तेरे मन के खसक जाएंगे ना। अरे लखपन दादा जब अपने बॉस आते ना तो ये ऐसी मतक मतक के नाचता। बॉस कहा है बॉस? सरदार तुमको भी है ना कुछ मान नहीं रहा था को बॉस आ रहा। सबको। अरे बाप रे बाप, बोले दादा तू 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 है वो रिकामा टल्ला जो ये टोली के पीछे टोला बजा रहा था? हाँ भाई है वो रिकामा टल्ला जो ये टोली के पीछे टोला बजा रहा था। अब डिंपल लिया, अब तेरा टोला बजाता हूँ। बाप Yeah.
कौन बताएगा तुम्हें नकली वीरप्पन है? मार रही हो? वो तेरा मर्द है ना, वो वीरप्पन बन गया क्या? अनका है वो? वो भिकन की होटल है ना, वहाँ पे सब पकड़ के कूट रहे उसको। हाँ, अब देखियो जाके उसको। बहुत बुरा बुरा कूटे रे। आए आए, अरे बाप रे, मेरी औरत को बोलता हमें हल्दी लगा दे। कभी वीरप्पन नहीं बनूंगा। आ आ आ, काम धंधा कुछ करते नहीं और वीरप्पन बनने जा रहे हो? आ आ।